पार्वती, तुम जैसी पत्नी तो बड़ी तपस्या से मिलती है। आप ये क्या कह रहे हैं? शंकर को पाने के लिए हमेशा पार्वती ने ही तपस्या की है, और इस बार भी ये पार्वती की तपस्या का ही फल है। जी हाँ जी, शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है, कोई भगाकर थोड़ी लेकर आए हैं। आज शादी करके लाए हैं, अग्नि के चारों तरफ सात फेरे लगाकर लाए हैं। जी चाहता है कि तुम्हें अपने सीने में रख। कौन है भैया? मैं हूँ भेजू। हम सो रहे हैं। क्या बात करते हो भैया, इतनी भी जल्दी को सोता है? चलो दरवाजा खोलो। अरे कहाँ सुबह आ रहा? ओहो, ये उस दादी में मेरा भी बाप है। भैया दरवाजा खोलो। भैया भैया भाभी, आज तो मैं अपनी भाभी माँ के पास रहूंगा। तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? आप अपनी माँ के पास रहो, मैं अपनी भाभी माँ के पास रहूंगा। नहीं नहीं बीजू, तू ये नहीं कर सकता। तो अपनी भाभी माँ के पास मैं क्या हो गया? नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं कहाँ किधर आ रहा हूँ? माँ देखो भैया को क्या हुआ? चुप चुप, बदमाश, माँ को क्यों याद कर रहा है? खाना का मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो जाओ सुने। आओ भाभी तुम मेरे साथ सो, मुझे बहुत नींद आ रही है। आओ भाभी तुम मेरे साथ सो, मुझे बहुत नींद आ रही है। चल अपने कमरे में चल। देखा नाटक कर रहा है, इतनी जल्दी सो गया, हट। बहू सारा सामान रख दिया है ना, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं माँ जी, आपने जो जो कहा था वो सब रख दिया। हाँ। अरे भाई ये सब कुछ क्या है, ये पोटली, ये संदूक, कौन जा रहा है सफर पर? मैं जा रही हूँ बेटे, मैंने देवी माँ से मन्नत मांगी थी कि मेरे बेटे का घर बसा दे, घर बसते ही मैं तेरे दर्शन को आऊंगी। और माँ ने तेरी सुन ली और तू जा रही है, लेकिन मुझे तो किसी ने बताया नहीं। अरे तू क्यों मुंह लटका रहा है, दो दिन की तो बात है, परसों भगवान ने चाहा तो मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन मैं भी चलूंगा। अरे तेरा दिमाग ठिकाने है या नहीं, क्या बच्चों जैसी बातें करता है। कल बहू घर में आई है और आज तू माँ का आंचल थाम कर तीर्थ यात्रा पर चला, यहाँ बहू का कौन ख्याल करेगा? लेकिन माँ तू अकेले कैसे जाएगी? अरे बाबा मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, पूरी बस तो अपने कस्बे के लोगों से ही भरी हुई है। कुछ भी हो लेकिन माँ तू अपने कुछ नहीं, शुभकामना आनाकानी नहीं करते। चल मुझे बस अड्डे पे छोड़ के आ। जीती रहो बहू, घर का ख्याल रखना है और अपना भी। चल चल चल। तो अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा हाँ, तू मेरी चिंता मत कर, ये सारे अपने गांव के ही तो लोग हैं मेरे साथ, तू बहू का ख्याल रखना। और हाँ वो शैतान बिरजू को देखना, वो कहीं बहू को तंग न करे। हाँ देखूंगा माँ, लेकिन तू वक्त पर खाना खा लेना। हा? हाँ बेटा हाँ खा लूंगी। हाँ शंकर भैया, हम है ना, हम इनका ख्याल रखेंगे। हाँ गिरधर के बापू, ये रास्ते भर मुझे दूध पीती बच्ची की तरह समझाता आया है, कल तक मैं इसे समझाती रही, आज ये मुझे समझाने लगा। चलो शंकर भैया उतरो। बाय लगूंगा। जी चलो बेटा। वाह पत्नी जी, कल रात को तो हमें अंगूठा दिखाया था, आज हम आपको दिन में सितारे दिखाएंगे। हाँ अरे कहाँ चले गए? अरे अरे आप कहाँ के जाओगी? अरे रात भर हमने बात सुलवा दिया। अरे अरे सुन, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। अरे तुमने हमें सुहाग रात नहीं मनाने दी, कम से कम सुहाग दिन तो मनाने दो। अरे कोई देख लेगा। शंकर भैया, ओ शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, खबर है ये कि यात्रियों की बस खाई में गिर गई। क्या मास्टर जी कह रहे थे, बलवंत का भविष्य बहुत उज्जवल है, उसकी पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए, उसके लिए उसे शहर भेजना चाहिए। लेकिन भेजे कैसे, उसमें तो बहुत रुपया लगेगा, हम गरीब आदमी तो मुश्किल से अपना पेट ही भर पाते। हम अपना पेट काट कर बलवंत को पढ़ाएंगे, दो रोटी की जगह एक रोटी खाएंगे, मगर हम बलवंत को जरूर पढ़ाएंगे। अरे तुम एक रोटी की बात कर रही हो, बलवंत की पढ़ाई के लिए मैं जिंदगी भर भूखा रह सकता हूँ, पानी पीकर गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, हम गरीबों की रोटी की टुकड़ों की कीमत क्या है? हा?
अरे उस पैसे से कॉलेज की फीस तो छोड़ो, कॉलेज की किताबें भी नहीं खरीदी जा सकती। एक रास्ता है, क्यों ना हम हमारे कुछ खेत सेजी के पास गिरवी रखते। हमने कुछ गलत कहा? अरे मुझे ऐसे लगा जैसे तुमने मेरे दिल की बात सुन ली हो। मैं जाता हूँ सेठ जी के पास, रुपए लेकर आता हूँ। और देखो तुम बलवंत को शहर भेजने की तैयारी करो। एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और टर्म फीस, इन तीनों को मिलाकर 2000 रुपए दीजिए। मेरे जी पूरे 2000 हैं। आज तुझे जिंदगी में पहली बार अलग कर रहा हूँ। तू पैसे की चिंता मत करना, हाँ तू सिर्फ दिल लगाकर पढ़ाई करना, इस भाई का सपना पूरा करना, और तू बहुत बड़ा आदमी बनकर गांव में आना। हाँ ये समझ ले कि डिग्री तेरी है, इस डिग्री में जिंदगी मेरी है। सादर प्रणाम। मुझे परीक्षा की फीस भरने के लिए 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। समय पर रुपया ना मिला तो मैं परीक्षा में बैठ नहीं पाऊंगा। कृपया ये रुपए जल्दी भेजें। आपका भाई बलवंत। सभी ने रुपया देने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? ये लो, इसे बेचकर बलवंत को पैसे भेज दो। नहीं पार्वती, एक एक करके तुमने अपना हर जेवर बेच दिया है, ये तुम्हारा आखिरी जेवर है। मेरे जेवर तो आप हैं, ये हार नहीं। देखो सोच विचार में देर मत करो, बलवंत का ये आखिरी साल है। अगर वो इम्तिहान में ना बैठा तो हमारे इतनी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेरा बलवंत जब इम्तिहान में पास होकर बड़ा ऑफिसर बनेगा तब ना जाने ऐसे कितने जेवर मुझे बना कर देगा। तुम ना मत करो, तुम्हें मेरी कसम, इसे बेच दो। पार्वती, ना जाने पिछले जन्म में मैंने क्या पुण्य किया था कि इस जन्म में तुम मेरी पत्नी बनी। चाय पिएगा? नहीं। चाय पीने को मन कर रहा? अरे वही तो बोल रहा हूँ यार। खोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ये दरवाजा खोल दिया ना और मालिक ने सुन लिया ना तो नौकरी से बाहर कर देगा। खोल रहा हूँ। ताले। ये क्या चकलसबाजी हो रही है? तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे? रामू काका भूख लगी है। भूख लगी है? अरे दो वक्त खाना नहीं मिला तो उतर गया ना प्यार व्यार का नशा। कल जल्दी से तैयार होकर नीचे आप, लड़के बड़े तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। जल्दी खाना लाओ। अरे मेरे मुंह क्या देखते हो, दरवाजा खोलो। जी। मारी बिटिया अंदर नहीं है। अरे क्या बकवास करते हो सब लोग। रामू काका पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बिरजू कमाल करती हो माला, कितना इंतजार कराती हो।
तुम इंतजार करवाने की बात कर रहे हो, अब तो रास्ता ही बंद होने जा रहा है। क्या मतलब? मतलब यह है बिरजू कि मेरे बापू मेरी शादी दूसरी जगह पक्की करने जा रहे हैं। क्या? हाँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता। हाँ ऐसा होने जा रहा है बिरजू, मेरे बापू के पास पैसे हैं, ताकत है, वो मेरी शादी कर देंगे और फिर हम दोनों कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरी मानो, चलो चलो हम दोनों कहीं भाग चले। इस तरह भाग जाना बुजदिली हो गई, और अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारे बापू और मेरे भैया भाभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ। हमें सबने से काम लेना होगा माला। ठीक है तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, मत मानो, लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर मेरे बापू ने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी ना, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ मैं जहर खा लूंगी। क्यों घबराती हो तुम माला? अरे इस जन्म में हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अरे किसकी हो जी? सुनो, हमारा बलवंत पास हो गया, पहले दर्जी में पास हो गया और वो घर आ रहा है। हाँ। सच? अरे बलवंत पास हो गया। अरे इस गवार का भाई पास हो गया, फर्स्ट क्लास। अरे राम जी सुन रहे हो? अरे गंगुआ इधर सुन रहे हो? पलवल पास हो गया, बस क्लास में पास हो गया। अरे बहुत बड़ा अफसर बनेगा, अरे दूर दूर तक नाम रोशन करेगा। अरे गवार की पत्नी इधर पास हो गया। अरे पास हो गया। अरे चाचा खाओ ना। अरे खाओ तो सही। अरे तुम क्या मुंह देख रहे हो? अरे खाओ ना भाई। अरे बरसों के बाद खुशी ने शंकर के आंगन में कदम रखा है। अरे शंकर भैया, इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बेटी का रिश्ता बलवंत के साथ तय करना चाहता हूँ। दहेज के अलावा 20,000 रुपए नकद भी दूंगा। बोलो। क्षमा करना हरी भैया, ऐसी खुशी के मौके पर कितनी घटिया बात की है। अरे मैं अपने भाई का ब्याह करना चाहता हूँ, उसे बेचना नहीं चाहता। सुरेश भैया, हमें तो आपकी बिटिया पसंद है, पार्वती बड़े गुनगाती रहती है उसके। सच? हाँ बिल्कुल। अरे बरसों के बाद शनाई बजने वाली है इस घर में, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। बाबूजी, चाचा जी आ गए। बलवंत आ गया। भैया पाए ला। अरे पगले पगले, तेरी जगह मेरे पाँव में नहीं है, मेरे दिल में है यहाँ। अरे बलवंत भाभी, कैसे है रे तू? आपकी मेहनत और लगन ने मेरे बलवन को सचमुच कितना बड़ा आदमी बना दिया। चाचा जी, ये टांगे में कौन है? भैया आप ये आपकी बहू है। बहू? तुमने शादी कर ली और हमें बताया कि नहीं? दरअसल भैया क्या है कि वो अरे क्या बोल रहा है? क्या क्या हमारे अरमान थे, हम तो अभी अंदर बोल रहे थे। बहू पहली बार घर आई है, उसका स्वागत तो करे। चुप हो जाइए। आओ बहू, आओ अंदर आओ, संभाल कर। अरे चलो अंदर चलो, चरण छो। अरे आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, तुम दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा सुखी रखे। चलो बहू, चल बलवंत, आ अंदर आ। सुरेश भैया, हमें तो आपकी बिटिया पसंद है, पार्वती बड़े गुनगाती रहती है उसके। सच? हाँ बिल्कुल। अरे बरसों के बाद शनाई बजने वाली है इस घर में, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी।